उन्होंने कहा यहाँ पे बात मत करो, जाके जल्दी से अपना सामान निकालो, नहीं जल्दी चला दे। दो दिन का टाइम दिया था उन्होंने, बस शनिवार को आए थे और सोमवार को तोड़ गए पूरा सामान। तो क्या कागज आप लोगों के पास नहीं? सब कुछ है हमारे पास, सारे चल रहा है हमारे पास। 60-70 साल हो गए मैं यहाँ रहते हुए, हमारे परदादा दादा सब यहीं के ही हैं। यहाँ पर आपके विधायक कौन है? ओम प्रकाश शर्मा, वो भी नहीं आया यहाँ पर। उन्होंने मिलने से मना कर दिया कि मैं नहीं मिल रहा था। बगावट किया उन्होंने, उन्होंने बगावट किया, दवाई खा के बगावट दिया, कह रहे हैं हम दवाई खा के सो रहे हैं और हम नहीं जाएंगे, हम दवाई खा के सो रहे हैं। ये है आराम कर रहे हैं वीडियो के, हमारे 1982 में लोड करा गया था हमारे लिए। नमस्कार, न्यूज क्लिक की तरफ से इस समय हम ग्राउंड रिपोर्ट में पहुंचे हैं देश की राजधानी दिल्ली के ईस्ट लक्ष्मी नगर इलाके में। यहाँ पर दिन दहाड़े 6 जुलाई को 60 से अधिक घर ढहा दिए गए। कोरोना काल में जिस समय देश कोरोना से लड़ रहा है उस समय वे घर गिराए गए, उनमें से कई घरों में कोरोना पॉजिटिव लोग थे। और ये जब हो रहा था तब यहाँ के विधायक और सांसद पूरी की पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए थे और आज तक यहाँ कोई नहीं पहुँचा है इनका हाल जानने के लिए। आलम यह है कि हमारी आंखों के सामने मलबा पड़ा हुआ है, मलबे की हिफाजत के लिए यहाँ लोग बैठे हुए हैं। गोटी गुटले करते हैं, प्राइवेट काम करते हैं, सभी की दिहाड़ी मजदूरी है, कोई कुछ करता है, झाड़ू पोछे में कोठियों में जाके काम करते हैं। आज हमें रोड पे बैठाया गया है। कितने दिन हो गए? ये सोमवार से दिल लगा हुए, सोमवार के दिन तुड़ाई लगी थी। अच्छा, सोमवार को हमारा सारा सामान बारिश में भीगा है, लोग डाल लग रहा है, हमें कोई भी किराए पे मकान नहीं दे रहा है। हम तो बर्तन कर दे कि कूड़ा उठा दे, पहले कच्चे मोहल्ले थे वो करते थे, यही पे करते, नाली मोड़ी काटते, सरकारी नौकरी है ही नहीं, प्राइवेट मोहल्ले करते, हम तो क्या करें, कहाँ जाए। अब तो कोई मकान नहीं दे रहा, कोई कुछ नहीं दे रहा, अब तो भूखे और मर रहे, ना कोई काम पे जाए के यहाँ पे पढ़े, पढ़ने ही नहीं दे रहे, मारते हैं बहुत बुरी तरह। देखो ये लग रहा है जो उस दिन लाठीचार्ज हुआ, आपको लगा पूरा उसी दिन? उसी दिन हुआ, सोमवार वाले दिन। जब हमारे घर तोड़ रहे थे, हम अड़ गए थे कि हमें नहीं तोड़ो, हमारे घर मत तोड़ो, तो इन लोगों ने लाठी चार्ज करके हमें हटा दे, बुरी तरह मारा, ये रहे जगह जगह हमारे नील डाले हुए हैं, मिर्च के स्प्रे डाले। अब हम मलबे के लिए लड़ रहे हैं, अपने हमारा सामान दबा हुआ है, हमारे एक आधी कान नाक किसी ने अपने बच्चों के लिए बनाई हुई, किसी ने किसी लिए, तो ये हमारा मलबा भी रात दिन उठा रहे हैं, रात को उठाते हैं जुम्मे भी सड़क पर। क्या काम करते हैं आप लोग? सफाई कर्मचारी, हम सफाई का काम करते हैं, जिनकी नौकरी है वो नौकरी करते हैं, जिनकी नौकरी नहीं है वो घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करते हैं। ठीक है, आप कब से रह रही थी यहाँ? हमें यहाँ 60 साल हो गए, मेरी सास ससुर को, ये मेरी ससुराल है, और मुझे अभी यहाँ 25 साल हो चुके हैं। उस लोगों ने पैसा भर दिया, सरकार ने पैसा खा लिया, ऊपर तक बिक गए लोग, ऊपर तक बिक गए, तो उन्होंने कह दिया कोई सुनवाई नहीं है, आपका ऑर्डर नहीं है। सामने वाले लोगों की हमारे मकानों की वैल्यू घट रही है, वो लगाया गया हमारे घर पे नोटिस, शनिवार को कार्रवाई नहीं होती, संडे को नहीं होती नोटिस, ऐसे टाइम पे लगाया, बताओ बच्चों को कहां से पाले, लॉकडाउन वैसे चल रहा है, पैसा पास नहीं है, भूखे प्यासे बैठे हुए हैं अभी तक। लोगों में अफवाह फैली कि घर टूटने वाले हैं, तो सबने अपने एडवोकेट को कांटेक्ट किया, जब एडवोकेट को कांटेक्ट किया तो उसने इनको झांसे में रख के कि नहीं टूटेगा, कोरोना का टाइम है, हम स्टे ले लेंगे, तो उनसे पैसे वगैरह लेके सब लूट के चला गया। उस दिन भी 6 तारीख को भी बैटन लगा हुआ था, तो वो तो फिर रिजेक्ट हो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, इनका कलकत्ता में था, और उसके बाद से घर एडवोकेट ने ये भी बोला कि आप अपना घर मत रखिए, सामान मतलब निकाले तो एनसीडी वाले नहीं तोड़ेंगे क्योंकि सामान है, लेकिन उन्होंने लोगों ने एडवोकेट पे भरोसा करके नहीं निकाला सामान, अब वो सामान के साथ साथ घर भी सब टूट गया है इन लोगों का। यहाँ पर जो लोग रहते थे क्या पेशा था, क्या ज़्यादातर लोग यहाँ पे लगभग 75 घर थे लाइन में, तो ज़्यादातर नहीं, एक्चुअली सभी लोग यहाँ पे सफाई कर्मचारी थे, कुछ एनसीडी में काम करते थे, कुछ एनसीडी में कॉन्ट्रैक्टर बेचते थे, कुछ प्राइवेट घरों में साफ करते थे घर, झाड़ू पोछा। मुस्लिम परिवार भी है? मुस्लिम कम्युनिटी थी यहाँ पे, आगे कुछ फैमिलीज थी, 40% मुस्लिम थे, बाकी 60% हिंदू थे। जितना मैंने कल मैं पिछले 2-3 दिन से आके यहाँ पे जो लोगों से बात की है, पता किया है, तो मेरे को 110 लोगों की फैमिलीज की इन्फॉर्मेशन अभी तक मेरे पास आई है कि वो लोग 110 परिवार यहाँ थे जी, 110 थे,
उससे ज्यादा ही थे क्योंकि आधे लोग तो उसी टाइम कहीं अपने रिश्तेदारों के पास चले गए। अच्छा, यहाँ खबर ये भी आई कि कोरोना भी कुछ लोगों का था, तीन चार घरों में लोग क्वारंटाइन थे। जब जेई जो नरेंद्र जी थे उनको बोला कि यहाँ पे क्वारंटाइन है, कुछ लोग उनके घर में है, तो उन्होंने वो भी नहीं सुना, उनका घर भी तोड़ दिया और सामान के साथ उनका घर भी गया। अब इस मलबे में काफ़ी सामान लोगों का दबा हुआ है, जो जमा पूंजी लोगों ने जैसे तैसे बताई अपनी। इसी जगह पे जो कॉलोनी टूटी है, इस जगह पे तीन कोरोना पेशेंट थे और इतनी दिक्कत आ रही है। बारी हमारे कॉलोनी में आके देखे, हम कितने परेशान हैं, हमें खाना नहीं मिल पा रहा है और बहुत ज़्यादा दिक्कत में, छोटे छोटे बच्चे सड़कों पे हैं। और आपसे निवेदन है, आप एक बारी कॉलोनी में आके देखें हम कितने ज़्यादा परेशान हैं। किसको कोरोना था? बड़े भाई को, बड़े भाई से पहले मम्मी खत्म हुई 10 दिन पहले ही, और बड़े भाई को कोरोना था। कल डेट खत्म होती है उनकी, उन्हें भी धक्का दे दे के, उन्होंने पुलिस वालों ने धक्का दे दे के मारा, और घर से बिल्कुल सर लेडीज़ों को भी मारा सर, आटा तक भी नहीं निकाल दिया, पूरा सामान टेस्ट नेस्ट कर। फिर भाई को कोरोना हुआ और कोरोना में एकदम धक्का दे दे के घर से बाहर करा भाई। भाई कहाँ रहते थे आप? भाई यहीं रहते थे। मीडिया वाला नहीं आया, कोई नहीं आया, बड़े लोगों के पास गए, किसी ने हमारी कोई सुनवाई नहीं है। मीडिया वाला कोई भी नहीं आया, उन्हीं की वीडियो बन रही थी, कोई बना रही थी वीडियो, तो के हाथ जोड़े भैया ने, कोई नेता नहीं आया। क्या मकान नंबर था आपका? 339। कब तोड़ना शुरू हुआ, कब नोटिस मिली आपको? ये हमें मिला था कुछ 10-15 दिन पहले मिला था, लेकिन हमने वकील किया था, जो कि वकील ने हमसे पैसे खाए, सब कुछ किया, हमने उनको 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपये दिए, और हर तारीख पे उनको 1500 रुपये और 1200 रुपये, किसी से जो नहीं भी दे सकता था उन्होंने भी दिए। और उन्होंने हमसे बोला सोमवार को कि हमने अगस्त तक का ये ऑर्डर ले लिया है रुकने का, और हम ज़्यादा हम जानते नहीं, देखो इतना पढ़े लिखे नहीं है, जैसा वो कहते गए हम करते गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ, फिर भी हमारे घर टूट गए। सच्चू हमारे को यहाँ से और वहाँ तक खड़ा नहीं होता था, यहाँ पे मारते पीटते लेके गए हैं, और वहीं डंडे लेके आते थे, और दिखाऊंगा आपको कमर अपनी, तो मेरे कमर में डंडे लगे हुए हैं बिल्कुल, वहाँ से वहाँ तक बोलते थे बारीगढ़ से बाहर जाओ, बाहर हो जाओ। उसमें कुछ प्रेगनेंट लेडीज भी थी जिनको मिस कैरिज हो गया है, उन पर भी लाठीचार्ज हुआ गया, घर में घुस घुस के पुलिस वालों ने किया, उनकी रिपोर्ट। लेडीज पुलिस भी आई थी या जेंट्स पुलिस ने की? जेंट्स भी थे, लेडीज भी थी, सबने मारा, जेंट्स ने भी, लेडीज ने भी, बच्चों को भी मारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अलग अलग कोनों में जाकर सफाई कर्मचारियों की बात करते हैं, पैर धोते हैं वहां पर, लेकिन यहां जब देश की राजधानी में सफाई कर्मचारियों के घरों को तोड़ा जाता है, उनकी जिंदगियों को तबाह किया जाता है, तब एक लाइन, एक शब्द और एक शब्द का हस्तक्षेप उनकी तरफ से नहीं आता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल तो तमाम बड़े बड़े दावे करते हैं, यहाँ पर उनके ही राज्य में इतने बड़े पैमाने पर घर तोड़े जाते हैं और एक हस्तक्षेप उनकी तरफ से नहीं आता है। इतने ज़्यादा कानून का उल्लंघन सरेआम जब देश की राजधानी में हो रहा है, तब वाकई यह सवाल तो बनता ही है कि ये सरकारें कौन लोग चुन रहे हैं और ये सरकारें किनके लिए काम कर रही हैं। पूरी उम्र निकल जाती है एक घर बनाने में, और जिस तरह से यहाँ देश की राजधानी में 60 से अधिक घर और इतनी जिंदगियाँ बर्बाद की गईं, उसमें शायद एक मिनट के लिए भी सोचा नहीं गया कि ये जो परिवार यहाँ से बेघर किए जा रहे हैं ये कहाँ जाएंगे, और वो भी ऐसे समय जिस समय प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री कोरोना को लेकर इतने चिंतित हैं। क्या ये लोग जो निकाले गए ये भारतीय नागरिक नहीं हैं? इन्हें जिंदा रहने का हक नहीं है? क्या ये कोरोना से प्रभावित नहीं हो सकते? ये तमाम सवाल जो पूछे जाने चाहिए इन लोगों के द्वारा, लेकिन सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है।